सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद आयुषी। सो हमने लास्ट वीडियो में जहाँ पे एंड किया था वहीं से हम वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने एंड किया था कंसीलिंग पे, राइट? फाउंडेशन हो गया था, कंसीलर हो गया था, बेस हमारा आधा कंप्लीट हो गया था। तो अब हमें बेस को सेट करने की तरफ चलना है। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स तो अब हम आते हैं हमारे कंसीलर को सेट करने पे, क्योंकि कंसीलर एक ऐसा पार्ट है जिसे हमें सेट करना बहुत 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 ज़रूरी होता है। सो वेट अ सेकेंड, दिस इज़ द ब्लू हेवन सैफियर ट्रांसलूसेंट पाउडर। जिसे नहीं पता बेकिंग और ट्रांसलूसेंट पाउडर क्या होता है, ट्रांसलूसेंट पाउडर एक फाइन पाउडर होता है, बहुत ही पतला पाउडर, जिससे हम अपने कंसीलर को सेट करते हैं। कंसीलर को सेट करना उतना ज़रूरी होता है जितना कि आपको मेकअप में आपकी लिपस्टिक ज़रूरी लगती है। लाइक लिपस्टिक बिना है तो मेकअप अधूरा ही है ना। एंड कुछ लोगों के लिए काजल लाइनर होता है, तो कंसीलर क्रीज ना करे। ये जो लाइंस होती है, राइट, कंसीलर जहाँ पे हम प्लेस करते हैं वहाँ पे कंसीलर बैठ ना जाए, क्रीज ना कर जाए, तो उसके लिए हमें सेट करना होता है। तो इसका शेड नंबर मैंने पहले ही बता दिया था, अभी मैं फिर से देख के बता देती हूँ। तो इसको हम जस्ट कंसीलर जहाँ अप्लाई किया होता है वहाँ पे हम इसे प्लेस करते हैं, जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया होता है, बट मेनली वी पुट इट ऑन अंडर आई। तो मैं सेट करूँगी इसे, और इसे सेट करना, कंसीलर को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। यू कैन यूज़ अ कॉम्पैक्ट पाउडर इफ़ यू आर अ बिगिनर और सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट। इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट देन आप बेकिंग पाउडर लेना आपके लिए ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ हमने कंसीलर यूज़ करा था वहाँ वहाँ हम बेक पाउडर से सेट करेंगे, लाइक अराउंड द माउथ एंड दैट एरिया। कुछ नहीं करना है, बस प्लेस द पाउडर, राइट? प्लेसिंग हो गई, लेट मी चेक इन टू द मिरर। यस, हमने बेकिंग कंप्लीट कर ली अपनी। सो अब हमारी बारी आती है बेकिंग के बाद फेस पाउडर। फेस पाउडर का काम होता है बाकी जो फेस बचा उसे सेट करना, बट हम अभी पूरा फेस सेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, दैट हमने कॉन्टोर नहीं किया है फेस को। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, एंड बेकिंग का सिलसिला इतना ही था। एंड ओके, आई थिंक कि मैं मर्ज कर दूँ वीडियो को, एंड दिस पार्ट इज़ ऑल अबाउट बेकिंग एंड कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ, हमारे फेस को शेप देना। लाइक कोई कोई बहुत हेल्दी होता है, आपने हीरोइंस को देखा होगा, उनका फेस काफ़ी मतलब चिन ऐसे जॉ लाइन ऐसे एकदम कट शेप में रहती है, और ये क्या बोलते हैं, फेस का शेप एकदम नीट रहता है, नोज़ एकदम शार्प रहती है, एंड फॉरहेड एकदम क्लीन रहता है, लाइक बहुत ब्रॉड नहीं लगता है। तो उसे बोलते हैं फेस को शेप देना, एंड कॉन्टोरिंग वही काम करता है। हम अपने फेस के उन एरियाज़ को डार्क शेड से लाइन अप करते हैं। लाइक अभी मेरे फेस को कॉन्टोरिंग ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरली लग रहा है, बट अभी आप लुक देखेंगे बिल्कुल। और कॉन्टोरिंग हम थ्री बना के करते हैं, लाइक थ्री, हमें फेस पे थ्री बनाना होता है, लाइक दिस दिस एंड दिस। आप ये थ्री मेथड को समझोगे तो आप कॉन्टोरिंग कर लोगे। लुक एट दिस, ओके, वन टू एंड थ्री, डन। थ्री बनाया, एंड अगर नहीं समझ में आता है तो आपके फेस पे जो शैडो है आप उन्हें फॉलो करोगे। शैडोज जानते हो ना, फेस पे जो नेचुरल शैडोज होती है वो उन्हें फॉलो करो, लाइक दिस। मैं अपनी शैडोज को फॉलो कर रही हूँ, ओके, डन। आई नो डार्क लाइट लग रहा है, बट इसे हमें सेट करना होगा। और नोज कॉन्टोरिंग, अपने नोज की शैडो पे जाओ आप, तो लाइक दिस, ओके। आप चाहो तो पतला भी कर सकते हो, बट हमेशा कॉन्टोरिंग अपने ब्राउज के यहाँ से लेके आनी होती है, नोज़ की। अगर आप ऐसे ही इतनी ही करोगे ना तो बहुत ऑड लगेगा। तो बी अ प्रोफेशनल, लाइक दिस एंड दिस,
ओके, उसको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, दिस कॉन्टोर शेड नंबर इज़ इससे क्वर्की का ही है, बट शेड नंबर आई डोंट नो। हाँ, टॉफी, दिस शेड नंबर इज़ टॉफी एंड आई नो अभी बहुत डार्क लग रहा है बट। और हाँ, अगर कुछ लोगों को लिप कॉन्टोर करना भी अच्छा लगता है लाइक मी ऑल्सो, आई यू दिस लाइक हेयर एंड देयर ऑल्सो, तो ये हो गई लिप कॉन्टोरिंग। और भी टाइप की कॉन्टोरिंग होती है, आई नो मुझे जुकाम है, आई एम रियली सॉरी गाइस, लाइक बॉडी कॉन्टोरिंग एंड या पूरी बॉडी कॉन्टोर होती है तो उनमें कट्स दिखाए जाते हैं। आपने देखा होगा टिकटॉक पे जो वीडियोस चली थी जिसमें लोगों ने बॉडी कॉन्टोरिंग करना सिखाया है, तो सेम मेथड वी यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड जस्ट ब्लेंड, प्लेस पे ही ब्लेंड करना है, अब कहीं और नहीं करना है, जस्ट ब्लेंड लाइक दिस। हमेशा फेस कॉन्टोरिंग अपवर्ड मोशन में ही ब्लेंड होगी, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ब्लेंडिंग नहीं होती है। और ये वाली कॉन्टोरिंग को हम थोड़ा सा फॉरहेड तक लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें अपने फॉरहेड को इतना ब्रॉड नहीं दिखाना होता है, तो ये कॉन्टोरिंग थोड़ा सा फॉरहेड तक जाएगी। अभी मुझे पता थोड़ा सा ऑड दिख रहा है बट आई जस्ट मूव द ब्लेंडर एंड जस्ट ब्लेंड इट नीटली। हमारा काम ही है कि हमें बिगड़े हुए मेकअप या बिगड़े हुए सामान चीज़ों को ठीक करना, तो हमें क्या काम होता है यार मेकअप आर्टिस्ट का कि ये बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करना। ओके, आई नो क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो ब्रश से यू कैन ब्लेंड लाइक दिस सर्कुलर मोशन में एंड फेस पे यू कैन दिस लाइक दिस। यू गाइस नो आई डोंट लाइक ब्रश एंड लिया है मैंने, ठीक है, कभी कभी जल्दी होती है तो हाँ आई यूज़ ब्रश बट आई प्रेफर, ये मेरा सबसे पुराना ब्यूटी ब्लेंडर है आई गेस, सबसे पुराना। जब मुझे मेकअप सीखने का भी शौक नहीं था, मैं सीखना नहीं चाहती थी, हाँ, बट वो था कि ना सब यूज़ करना है, मेकअप है ना सब यूज़ करना है, मेकअप करना मुझे अच्छा लगता था बट मेकअप सीखने की चाह नहीं थी, ये नहीं सोचा था कि कभी प्रोफेशनली इस लेवल पे सोचूंगी ब्लेंड। ओके, नाउ ब्लेंड एवरीथिंग वेरी नीटली, कुछ भी ज़्यादा ना लगे। ओके, लाइक फेस कॉन्टोरिंग एवरीथिंग। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर ब्लेंडिंग। नाउ आई यूज़ माई कॉम्पैक्ट पाउडर, आ रहा था ना दिमाग में कॉम्पैक्ट पाउडर कब यूज होता है, तो यस ऑफ कोर्स आई यूज़ फेसेस कनाडा कॉम्पैक्ट, सॉरी फॉर द फंबलिंग बट यूज़ लाइक दिस एंड जस्ट सबसे पहले जो एरिया हमने हाईलाइट किए थे कंसीलर से उसको मैं शेप दे रही हूँ। यार नोज़ पे ये हाईलाइट तो होना ही चाहिए ना, एंड सेट ओवर ऑल द फेस अगेन। बेकिंग तो की थी बट कॉम्पैक्ट से, अगर आप सेल्फ के लिए सीख रहे हो देन ठीक है, आप कॉम्पैक्ट से ही सेट कर सकते हो, नो नीड टू परचेज एनी एक्स्ट्रा स्टफ, बट अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे सीखना चाहते हो तो आपके लिए सब कुछ ज़रूरी है। एंड सॉरी अगेन वन मोर टेक्निक, यू कैन यूज कॉम्पैक्ट विद द ब्रश टू लाइक दिस। बेकिंग भी आप ब्रश से कर सकते हो, आई एम सॉरी कि मेरे दिमाग से स्किप हो गया एंड यू जस्ट यूज दिस, बस ब्रश से कर रहे हो तो यू कैन प्लेस पाउडर एवरी वेयर। पफ से आप सेट कर सकते हो लाइक अभी आपको लग रहा होगा ना तो ये मैंने कॉन्टोर किया है इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, बट ठीक है हम इसे सेट कर सकते हैं लाइक दिस। ओके,
वो ओवरऑल फेस होने पे अच्छा लगेगा, आई नो। एंड सो दैट्स इट, ये थी हमारी कॉन्टोरिंग, बेकिंग एंड फेस सेटिंग। यस, अगर आपका फेस बेक से आप सेटिस्फाई हो गए, आपको लग रहा है कि आपका फेस इतने पे सेट हो जाए, तो वन मोर थिंग, अब आप जैसे मैं अब अपने फेस को सेट करना चाहती हूँ, मेरा फेस का काम इतना कंप्लीट हो गया है, बचा क्या है, ब्लश और हाईलाइट, जो कि मैं लास्ट में प्रेफर करती हूँ, तो अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो आई जस्ट यूज़ मेकअप फिक्सर ऑफ ब्लू ब्लू हेवन, सो आई जस्ट पंप हो जाए। आई जस्ट स्प्रे इट, या फैन 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 चाहिए लग रहा है मुझे। मैंने मेकअप फिक्सर को डाल लिया और अच्छे अमाउंट में डाला है, मैंने कंजूसी बिल्कुल नहीं की, क्योंकि फेस को सेट हो जाना बहुत ज़रूरी है, और जो बेस जहाँ पे है लाइक पाउडर बेस, सब कुछ सेट हो जाएगा। सो अब मैं अपने पैलेट को काम में लाती हूँ। सो दिस इज़ माई फेस आफ्टर अ मेकअप फिक्सर, और ये एकदम ड्राई आउट हो चुका है, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं किया है। फर्स्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप मेकअप फिक्सर यूज़ करो तो प्लीज़ मेक श्योर आपकी आँखें बंद हो, वरना मेरे जैसा हाल होगा, मेरी तो आँखें झपकने लग जाती हैं। हमेशा ऐसा करती हूँ, कुछ ना कुछ आँखों को हर्ट मेरे ज़रूर करता है। एंड सी माई फेस एंड बेस, लाइक कॉन्ट्रोल एकदम शार्प है, कुछ भी एक्सेस नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, लाइक सी। सो ऑफ कोर्स वन मोर वर्क फॉर यू, यस, इफ यू आर कनेक्टेड विद मी, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, जस्ट टैग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अपलोड योर परफेक्ट बेस। आई विल अपलोड इन माई स्टोरी योर बेस स्टोरी, लाइक आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेकअप तैयार करना है। लाइक आपने अगर बेस मेकअप सीख लिया है, प्रैक्टिस करने वाले हो, प्रैक्टिस करो मेरे इंस्टाग्राम पे, मतलब मुझे टैग करके स्टोरी डालो अपने इंस्टाग्राम पे, एंड मैं उसे री अपलोड करूँगी अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में। एंड ऑफ कोर्स आपको अप्रिशिएट करूँगी इफ़ यू डू गुड। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज के पार्ट में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट। बाय, थैंक यू।